बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़मूरा दवान, एसोसिएट प्रोफेसर एफसी कॉलेज लाहौर, एंड मेरे साथ हैं डॉक्टर फारूक उस्ताद, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे, करंट जो इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है, जिसमें आईनी बहरान भी नज़र आ रहा है, एक सियासी चक्लश भी नज़र आ रही है, उसको वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये डॉक्टर उस्ताद बताएं कि ये आईनी बहरान वाकई ही आईनी बहरान है, या जैसे तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए शब खून मारा गया वो सही था? देखिए, इसके बहुत से पहलू हैं। मैं जल्दी से एक बात बता दूं कि हमारे आईन में ये दिया गया है कि असेंबलियाँ 5 साल के लिए मुंतखब होती हैं, और 5 साल के बाद अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद फिर नए इंतखाबात होते हैं। यहाँ पे ये हुआ कि अभी 3.5 साल हुए थे, तकरीबन 4.5 साल, कि इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के तहत उनके अपने मेंबरान को खरीद के खुल्ला खुल्ला सारी दुनिया के सामने, और फिर हमें ये भी पता चला कि इसके पीछे अमेरिका का भी इंटरेस्ट था, वो भी इनको इनक्रेज कर रहे थे, और उन्होंने इसकी जो अक्सरियत थी इसको अकलियत में तब्दील किया, और फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, और नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लाए तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने पॉइंट आउट किया उनके डिप्टी स्पीकर को कि ये एक साजिश के तहत ये सारी चीज़ हो रही है, तो इसलिए ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इसको नल एंड वॉइड करार दे दे। तो साजिश का जो बयानिया है, जो इमरान खान ने एक बयानिया बनाया है और आवाम भी मोबिलाइज हो गई है, आपको ये लगता है कि ये साजिश का सिर्फ बयानिया है या हकीकत पे मुबनी है? देखिए, इसमें वो बात यह है कि अमेरिकन रिजीम चेंज के मामले में तो बहुत जाने पहचाने जाते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है सीरिया चेंज कर रहे हैं। नहीं, उससे पहले ईरान को 53 में किया, फिर चिली को किया 50s में, उसके बाद अभी हाल ही में जब सदर ट्रंप की हुकूमत थी तो उसमें अमेरिकन सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स मुख्तस किए ईरान की रिजीम चेंज करने के लिए। अब बात यह है कि आपने बात की साजिश की, जब उनका एक अहदेदार, बहुत अहम अहदेदार, वो बुलाता है पाकिस्तानी सफ़ीर को या उसके साथ मीटिंग करता है, और उसमें वो साफ कहता है कि अगर आपने इमरान खान को हटा दिया तो हम आपसे बहुत खुश होंगे, अगर आपने नहीं हटाया तो आपके लिए मुसीबतें होंगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको सॉरी टोक रही हूँ, बड़ी अहम बात, इमरान खान ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से अमरीका ने हटाने या खुश होने या ना खुश होने के अंदिया दिया? ऐसी क्या चीज़ें की इमरान खान ने जो और लीडर्स नहीं कर सके? देखिए, इमीडिएट वजह तो ये थी, अब इमीडिएट से हम शुरू करते हैं, फिर सब पीछे जाते हैं। इमीडिएट तो ये थी कि उन्होंने, इमरान खान ने दौरा किया रूस का, ठीक है, और इत्तेफाक ऐसे हुआ कि जिस दिन उन्होंने रूस का दौरा किया उसी दिन रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे अमेरिका ने इनको कहा पहले कि आपने रूस नहीं जाना, ठीक है, लेकिन इमरान खान ने जब मशवरा किया अपने साथियों के साथ, उन सब ने कहा कि हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी अच्छी डील मिल रही थी, 30% तेल कम पे वो दे रहे थे, और 30% गंदम भी, जिसकी दोनों की पाकिस्तान को अच्छी जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि मैं दौरा उन्होंने किया, लेकिन हमको नहीं पता था कि उस वक्त हालात ये हो जाएंगे। नहीं, वो हालात होते भी, देखिए अमेरिका तो क्या उनके पास अथॉरिटी है कि वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को डिटरमिन करेंगे, हमारे मफाद में क्या है क्या नहीं है, उससे पहले वो नाराज हो। इसमें एक तो इमरान खान जब रूस गए तो उन्होंने ये भी कहा बाद में कि यही बात आप हिंदुस्तान को क्यों नहीं कहते, हिंदुस्तान तजारत कर रहा है रूस के साथ, उससे तेल भी ले रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरी बात से ये नाखुश थे कि वो अंडे चाहते थे, और आपको याद होगा कि बहुत मशहूर उनका फिक्रा हुआ था एब्सोल्युटली नॉट, उस वक्त उन्होंने कहा था। तो इसमें तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात, अब अमेरिकन अगर ये पाकिस्तान को कहें कि आप अपने डाउनग्रेड वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चीन के साथ करें, तो ये पाकिस्तान के कौमी मफादात में बिल्कुल नहीं है, ये कोई नई बात तो नहीं है, चीन के साथ ताल्लुक 1950 से चले आ रहे हैं और मजबूत तक, और एक ही वो हमारा वो साथी है, एलाय है हमारा, और हमारा दोस्त है, और जो जिसने बहुत हमारी मदद भी की, और उसके बाद उनको और जो पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी थी उस पर एतराज़ थे, पैलेस्टाइन की कॉज के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, इस्लामोफोबिया के ऊपर वो करते रहे, यूरोप को चैलेंज करते रहे, कश्मीर के ऊपर, मुसलमानों की इंडिया में सपोर्ट, वो सपोर्ट इंडिया कश्मीर के ऊपर, तो वो चाह रहे थे कि हम अंडे भी, ये जो पहले मैंने कहा, तो आपको लगता है कि पीएमएलएन
और पीपल्स पार्टी अपने अपने दौर में ऐसा आउट राइट जो स्टैंड है वो नहीं ले सकी है, और जिसकी वजह से वेस्ट जो है, अमेरिका जो है, वो खिलाफ हो जाता है। देखिए, एक तो बड़ी जो बात जाहिर है वो ये है कि जब ये ड्रोन अटैक करते रहे, जो 400 ड्रोन अटैक किए, तो इन्होंने उनको कहा, ये एक विकीलीक्स में भी आया, आपके रिकॉर्ड में भी है, उन्होंने कहा ये ऊपर ऊपर से फेंकेंगे लेकिन आप जो मर्जी है करते रहे। दूसरी बात है कि ये बेसिकली करप्ट लोग हैं, और इनके वो सही कहते हैं जो पीटीआई वाले कि इनके अरबों रुपए बाहर के बैंकों में पड़े हुए हैं, जायदादें उनकी हैं, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते वेस्ट को नाराज करना, चूंकि वो नाराज करेंगे तो वो उनका फ्रीज भी कर सकते हैं उनके एसेट, जैसा उन्होंने रूसियों के और उससे पहले ईरानियों के और दूसरे मुल्कों के किए थे। तो इसलिए ये उनके हुक्म के ताबे हैं, और जो वो हुक्म देंगे वो करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के मफाद में कतन नहीं है। कायद आजम ने इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाया था कि हम बरतानिया की जो गुलामी से निकल कर अमरीका की गुलामी में जा पड़े और हमारा अपना जो मफाद है उसको हम कुर्बान कर दें, और हम हमारे जो 220 मिलियन लोग हैं उनके जो हकूक हैं उनको हम पामाल करें। ठीक है। अच्छा, अभी कल भी मरियम नवाज ने अपने जलसे में कहा कि कोई खत नहीं आया था, हालांकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म कर चुकी है अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट के ऊपर कि ऐसी जो है नॉन अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कि सॉवरेनिटी के खिलाफ हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि इनको पता है इन देयर हार्ट्स एंड हार्ट्स के ऐसा है, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि वो कहा यही गया था ना कि अगर आपने हटा दिया तो फिर ठीक है, अगर नहीं हटा दिया वो उससे भी हम आगे चलते हैं। बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जो पहले इमरान खान वजीर आजम थे, उसमें 3 आदमी के जो सरबराह हैं वो भी मौजूद होते हैं, और पूरी कैबिनेट के चीजा मेंबर्स होते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मुदाखलत हुई है, बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, थ्रेट्स दिए गए हैं पाकिस्तान को, उन्होंने माना। इन्होंने आके इनकी हुकूमत ने फिर से मीटिंग वही कराई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, और इनका ख्याल था कि हम जो इस दफा उन्होंने सफीर को भी बुलाया जिसको ये मुरासला दिया करता, इनका ख्याल था कि सफीर की बातों को तोड़ मोड़ के हम इसको माइल्ड करेंगे सारी चीज, वो हो नहीं सका क्योंकि उस जो प्रेस रिलीज थी उसमें कहा गया कि हम एंडोर्स करते हैं जो पिछली मीटिंग में कहा गया। अब बात यह है, वो तो कहा गया ना था, तो पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किस लिए किया, खत ही नहीं था तो हमने प्रोटेस्ट क्यों किया? तो मरियम सफदर अगर ये बात करती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोस की बात है कि वो अपने आप को एक लीडर समझती हैं या अपने बाप की वजह से, और उनका ये ज़हनी जो कैफियत है। लेकिन आपको नहीं ये लगता कि मरियम औरंगजेब हों, वज़ीर इत्तला'आत बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है उनके पास, या मरियम सफदर जो कि एक पार्टी की लीडर हैं, हेड हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनको इस वक्त अपनी हुकूमत की हिकमत अमली अपने जलसों में बयान करनी चाहिए कि हमारे ये मसाइल हैं, हम उनको ऐसे सॉल्व करने के हिकमत अमली चाहते हैं या रखते हैं या हम ये करेंगे, लेकिन वो सारी की सारी इमरान खान की बैशिंग के ऊपर शुरू होती है, उसी बैशिंग पे ख़त्म हो जाती है। ये बैशिंग भी देखिए ना, बिल्कुल बेतुके उसके साथ हो रही है कि कल जैसा उन्होंने जलसे में कहा कि इमरान खान कहता है कि मैं बूट पॉलिश मेरा बाप करता, मेरे चचा करता है, इमरान खान कहता है वो चेरी ब्लॉसम है, यानी कोई इस तरह बात बंदा। और वो आज वो कह रहे हैं जलसे में शांगला में कि मैं अगर कपड़े भी मुझे बेचने पड़े तो मैं बेच दूंगा मसाइल हल करने में, तो वो कपड़े ना बेचे, वो जो वहाँ पर उन्होंने अपनी बनाए हुए हैं जागीरें जो बनाई हुई है मुल्क से बाहर, वही बेच दें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। अच्छा, मैं आखिरी बात, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर बड़े ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खराब कर दिया इमरान खान ने 4 अपने सालों के अंदर, लेकिन इकोनॉमी की फिगर्स तो कुछ और कह रही है। जब 2018 में करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $20 बिलियन था, और अब जब के गवर्नमेंट गई है तो $0.5 बिलियन है, तो ये डिफरेंस ये स्टैटिस्टिक्स को भी नहीं देख रहे हैं। और इसके अलावा फॉरेन रिजर्व 2018 में $16.4 बिलियन था और अब $27 बिलियन, टैक्स कलेक्शन 2013 से 18 के दरमियान 3,800 बिलियन रुपीज हुई है, और जो कि अब 4,700 बिलियन फॉरेन रेमिटेंसेस 2018 में आए हैं। उसके बाद एहसास प्रोग्राम, बिल्कुल सोशल प्रोग्राम भी एक लंबी लिस्ट है, किसान कार्ड है,
انوائرمنٹل پھر نوجوانوں کو جاب دینا, ان کو اہمیت دینا. دیکھیں وہ عمران خان کی حکومت کام کر رہی تھی جو انسان ہے, لانگ ٹرم اور انسانوں کی چیز, جس طرح صحت ہے, مطلب جس طرح صحت ہے, جس طرح تعلیم ہے, جس طرح روزگار ہے, جس طرح ایک گرین پاکستان ہے پولوشن کم کرنے کے لیے. یہ جو ہیں, یہ آپ دیکھیے, یہ صاحب جو ہیں ٹوپی پہن کے یہ بھاگ کے مال روڈ کی اوپر میں دیکھ رہا ہوں. پھر وہ کیوں نہیں آ رہا کہ یہ چیف منسٹر پنجاب نہیں ہے, یہ وزیر اعظم پاکستان. میں یہ گھبرائے ہوئے, چونکہ ان کی اکثریت تو ابھی بھی دیکھے نا, اس کے باوجود کہ انہوں نے ٹاپل کی حکومت کی اداروں کے ساتھ مل کے جو ان کے ہینڈلرز ہیں, لیکن ابھی بھی ان کی ایک دو ووٹ سے ہی جیسے ہی وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے کچھ ممبرز, تو پھر حالات ڈراسٹکلی تبدیل بھی ہو سکتے. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق کے ساتھ آپ نے اتنا وقت دیا اور ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کی, جس میں ہم نے اسٹیٹسٹکس کی بھی بات کی ہے, ان اسٹیٹسٹک جس کا ذکر ہمیں نظر نہیں آتا کسی بھی پی ایم ایل این کی کرٹیسزم کی جلسے کے اندر, لیکن ہم اس پہ مزید اور گفتگو کریں گے آنے والے دنوں میں. شکریہ.